Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today our discussion on about hypermesis gravidum. This is most important question about paper point of view. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे hypermesis gravidum किसे कहते हैं, इसकी क्या causes हैं, symptoms देखने हैं, ठीक है, sign and symptoms and then how we will treat hypermesis gravidum. सबसे पहले स्टूडेंट आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, hypermesis gravidum कहते किसको हैं. हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है लो. ओके, इमिसिस का मतलब है प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग के प्रोसेस को, उस अमल को इमिसिस बोलते हैं. एंड ग्रेविडम कहते हैं प्रेग्नेंट वूमेन को, ठीक है. ग्रेविडम्स मल्टीपल्स प्रेगनेंसी जिसकी जिस वूमेन की है उसको बोलते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वूमेन को. शॉर्ट फॉर्म HG भी इसको बोलते हैं और इसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं. जाहिर सी बात है जब बहुत ज़्यादा पेशेंट को या प्रेग्नेंट वूमेन को वोमिटिंग होगी तो वो मॉर्निंग सिकनेस का शिकार हो जाएंगे, ठीक है. अब देखते हैं hypermesis gravidum की डेफिनेशन, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन हम करते हैं. द सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड hypermesis gravidum. प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नोजिया एंड वोमिटिंग को hypermesis gravidum बोलते हैं. इसके कुछ कॉजेज हैं, ठीक है. अब इसकी कॉजेज को डिस्कस कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पे आ जाता है स्टूडेंट हाई HCG लेवल, ठीक है. HCG लेवल क्या है, ये एक हार्मोन है जो कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है. और ये हार्मोन जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर जो होती है, ठीक है, प्लेसेंटा की साइटोट्रोफोब्लास्ट टू लेयर्स होती हैं, आउटर एंड इनर, ठीक है. और ट्रोफोब्लास्टिक लेयर जो आउटर लेयर होती है उससे इनर जो होती है साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर, वहाँ से ये रिलीज होता है, ठीक है. ये सिंगल लेयर होती है जहाँ से ये HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है. सबसे पहले मेटरनल ब्लड में होता है, देन जो है वो यूरिन में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो होम प्रेगनेंसी जब वुमेन करती है तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है. स्टार्टिंग में जो है इतना ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन ऐसा ऐसा वो यूरिन में सिक्रीन होना शुरू हो जाता है, ठीक है. इसके बाद आ जाता है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है. एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टोन ये प्रेगनेंसी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, ये स्टूडेंट FSH को इसकी क्वांटिटी को डाउन कर देता है, ठीक है, इसको सप्रेस कर देता है. FSH क्या है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब जब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब डिप्रेस होंगे, ठीक है, एस्ट्रोजन की वजह से, तो ओवरी में अंडे नहीं बनेंगे, ठीक है. ओवरी में क्या, एग नहीं बनेंगे. एग नहीं बनेंगे तो जो जो है मेंसेस स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है. और ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है. हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से hypermesis gravidum में पेशेंट जा सकते हैं. इसके अलावा हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और दूसरे हार्मोन्स में इंक्लूड है, जिसमें आ जाता है थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, ये भी माइनर अमाउंट में काउंट करते हैं जो कि hypermesis gravidum की वजह बनते हैं. इसके अलावा hypermesis gravidum में जो कॉज करते हैं वो है ट्विंस प्रेगनेंसी और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, ठीक है. इसके अलावा फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस हैं और ट्रैवलिंग वगैरह अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा करती है तो इसकी वजह से भी जो है hypermesis gravidum होता है. एक्चुअली जब ट्विंस प्रेगनेंसी होती है तो जो है पॉलीहाइड्रामिनोस जो एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से जो वुमेन है उसके जो ऑर्गन होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है, पेट जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, एब्डोमिन बैली जो है वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है बेबी की, जिसकी वजह से जो स्टमक है वो अपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है और वो hypermesis gravidum की वजह बनता है, ठीक है. मतलब वोमिटिंग आने लग जाती हैं, जो भी कुछ खाया पिया है तो वो उसको मतलब प्रेशर लगने की वजह से, दबाव की वजह से ऐसा हो सकता है. फिजियोलॉजिकल्स एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस का यही मतलब है कि जो हमारे यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, इसमें चेंजिंग्स आ जाती हैं. फिजियोलॉजिकल्स चेंजिंग्स यानी पेशेंट जो है वूमेन वो वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ये भी जो है वजह बनती है hypermesis gravidum की. और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है तो उसका तब भी वो जो है दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा, वोमिटिंग और hypermesis gravidum की तरफ जा सकती है. इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल पे आ जाते हैं कोमा. बहुत ज़्यादा अगर वोमिटिंग होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी पेशेंट को और वो जो है वो हेडेक की वजह से, ठीक है,
वो को पेशेंट कोमा में भी जा सकते हैं, क्योंकि पेशेंट में बहुत ज़्यादा सिकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। सर्कुलेटरी फेलियर, ठीक है, जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी ब्लड की, ठीक है, तो वेट लॉस होगा पेशेंट का, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे और कन्वुलियंस मीन झटके भी लगना शुरू हो जाएंगे। ये जो सारी तीन चार ये कॉम्प्लिकेशन है हाइपरमीसिस ग्रेविडम की, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ हाइपरमीसिस ग्रेविडम, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना शुरू हो जाएगी, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि पेशेंट में पानी की कमी है। टैकीकार्डिया, जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाएगी। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मीन्स जो बीपी है वो लो होना शुरू हो जाएगा। डेजीनेस, फटीग, बहुत सुस्ती और थकन फील होगी। इसके अलावा लो यूरन आउटपुट, ठीक है, लो यूरन आउटपुट की वजह से है बीपी लो होने लग जाएगा। जो यूरिन की क्वांटिटी है वो बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वोमिटिंग है, पानी की कमी है, तो यूरिन भी कम प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है, फील होगा। इमोशनल स्ट्रेस आप देखेंगे पेशेंट में, हेडेक होगी, ठीक है, पानी की कमी की वजह से, बीपी लो होने की वजह से जो है वो हेडेक होना शुरू हो जाएगी। स्टमक अपसेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करने की वजह से स्टमक जो है वो सही से वर्किंग नहीं कर पाएगा, बहुत ही वो अपसेट हो जाएगा। इसके अलावा पुअर एप्टिटाइड, ठीक है, भूख नहीं लगेगी उसको। ये सारी जो सिम्टम्स है वो हाइपरमीसिस ग्रेविडम की हैं। देन अब इससे हमने ट्रीट किस तरह करना है, ट्रीटमेंट इसका देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पे आ जाता है वाइटामिन B6, ठीक है, वाइटामिन्स प्रोवाइड करने हैं कि ताकि जो सप्लीमेंट्स जो हैं वो पेशेंट को मिले और वो बेहतरी की तरफ आ सके, ठीक है। इसके अलावा प्रोमेथिजिन है, ठीक है, प्रोमेथिजिन टैब है, और ये जो है ट्रीटमेंट ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, पेशेंट की कॉजेस पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की कॉज क्या है और उसके सिम्टम्स क्या शो हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट आपके पास आया बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वोमिटिंग है तो आपने उसको आईवी इन्फ्यूजन करना है, हॉस्पिटलाइज करना है आईवी इन्फ्यूजन, और माउथ के जरिए आपने कोई भी फूड नहीं देना, ठीक है। एंटी हिस्टामिन अगर पेशेंट जो है वो ECG लेवल इसका बहुत ज़्यादा हाई है या फॉल है, ECG लेवल को अगर आपने कंट्रोल करना है, इसकी सेंसिटिविटी को कम करना है, तो एंटी हिस्टामिन मीन्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये पेशेंट की साइन सिम्टम्स और उसकी कॉज पर डिपेंड करता है, और एंटी हिस्टामिन जो है वो सेंसिटिविटी रिड्यूस करती हैं, ठीक है, ECG लेवल की सेंसिटिविटी को रिड्यूस करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।